स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम छोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने मैंने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा, आपको उनके वोट की मैं, चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। अगर मैं घर देता हूँ, मैं सैचुरेशन की बात करता हूँ, 100% डिलीवरी, इसका मतलब हुआ गांव में मानो 200 घर है, कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, 9, उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सैचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेक्युलरिज्म है, जब आप उसमें करप्शन की भी संभावना नहीं रहती। क्या आपको मालूम है भाई, भले उसको मंडे को मिला है ना, अगले मंडे को मेरा नंबर लग जाएगा। नहीं, इस बात की गवाह तो मैं भी हूँ। हाँ। मुसलमान ये बात कहते हैं। हाँ। और ये मानते हैं कि उनके घर पे सड़क आई है, बिजली आई है, उनके घर पे सिलेंडर आया है, शकीला और शकुंतला में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। हाँ। और ये रहा आपका नमो घाट। कैसा लगता है जब आप ये देखते हैं तो? कैसा लगता है ये बदलाव? पहली बात है कि मैं मानता हूँ कि काशी में घाट और काशी की पहचान है, लेकिन उसमें आधुनिकता होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और उसमें से मुझे एक ये नमो घाट बनाने का विचार आया। और इन दिनों शाम को बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं, तो वो पुराना और इसको जोड़ करके देखते हैं। और मैंने उस पुरानी परंपराओं को भी बचा के रखा है और मैंने उसको आधुनिक रूप भी दिया, विरासत भी, और लगातार लगातार गंगा को नमन। यहाँ क्यों आते हैं? नमो गंगा, ये नमो गंगा है। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, मेरे दो क्विक आखिरी सवाल है। पहला तो ये कि ये कहा जाता है कि 400 पार अगर मोदी ले आएगा तो फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष एक मजबूत स्थिति में होगा तभी तो लोकतंत्र चल पाएगा। आप क्यों चाहते हैं कि सब आप ही के पास आ जाए? मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने, मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं कि हाउस न चलने दे, हुड़दंग करे, अनडेमोक्रेटिक वे में काम करे। भारत का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल ये लोग पूरी तरह विपक्ष के रूप में भी फेल गए। उनके खाते में विपक्ष के नाते काम किया एक काम नहीं है। जो लोग विपक्ष में फेल गए वो शासन में कैसे सफल हो सकते हैं? और भारत में मजबूत लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। और इसलिए शरद पवार ने एक अच्छा सुझाव दिया है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने सुझाव दिया है कि सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए। कांग्रेस में मर्ज करना नहीं करना, कहाँ करना, वो मेरा विषय नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ मैं ये निकालता हूँ, अगर ये मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि उनको चिंता ये है इस चुनाव में मान्य विपक्ष संभव नहीं होगा, इतने सीटें भी नहीं आएगी कोई रिकग्नाइज ऑपोजिशन बने, और इसलिए अगर मर्जर कर देंगे तो नंबर थोड़ा हो जाएगा, तो हम मान्य विपक्ष बनेंगे। दूसरा, आपको आश्चर्य होगा, मैंने कानून में परिवर्तन किया। हमारे यहाँ बहुत सी योजना ऐसी है, बहुत सी कमेटियाँ ऐसी है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ सकता है और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, तो मैंने कानूनी परिवर्तन किया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि 2014 से 19 तो उनके पास सीटें नहीं थी। मैंने कहा लार्जेस्ट पार्टी का लीडर उसको बिठाओ, मैं इतना डेमोक्रेट हूँ, वरना मैं नहीं बिठा था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया है। मुझे पता है वक्त की कमी है, लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत खिल्लियाँ उड़ाई थी, लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था, और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं,
आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ, गलत हो सकता हूँ, लोग आलो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझे मुझसे लेना तय किया है। और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूं तो मैं मानता हूं शायद ईश्वर मुझे करवाना चाहता है कि आपका नाम होगा, चिंता छोड़ो, मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूं दूसरा, लेकिन उस ईश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं, तो मैं भी एक पुजारी हूं, मैं भी एक भक्त हूं, तो मैंने 140 करोड़ देशवासियों को ईश्वर का रूप मान करके चलता हूं, वही मेरे भगवान है। आप भगवान के बीच में हैं और भगवान आपके साथ है, माँ आप में समाई हुई है, आपको खूब सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून को फिर हो सकता है आपसे मुलाकात हो, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, थैंक यू।